मैं तुमसे फिर पूछ रहा हूँ अभी। तुम यहाँ वापस क्यों आई हो? मैम तुम्हें वकील बनते देखना चाहती थी, उनके सपने का क्या होगा? प्लीज सर, आप मेरे क्लाइंट, मैं आपसे रूडली बिहेव नहीं करना चाहती, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे कि प्लीज मुझे शांति से अपना काम करने दीजिए, वरना मुझे अपने बॉस से बात करनी पड़ेगी और फिर आपकी शादी में दिक्कत आएगी। मेरे सपने का और इम्तिहान मत लो अभीरा, और एक क्लाइंट और वेडिंग प्लानर का झूठा नाटक मत करो। नाटक सर, अब तो जाकर हम दोनों के बीच में एक सच्चा रिश्ता जुड़ा है। नाटक तो वो रिश्ते नाते थे जो इससे पहले हम निभा रहे थे, सारे झूठे। तुम्हारे फेवरेट तिवारी इस रेस्टोरेंट पे कुछ अच्छा सा खाने चाहिए। अरमान अभीरा की तकरार, अभीरा बनी अरमान रूही की वेडिंग प्लानर, अभीरा ने मारे अरमान को ताने, रूही ने करवाया अभीरा को जेलस फील। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान और अभीरा के बीच हो रही है तकरार, अरमान कर रहा है अभीरा पर गुस्सा। आपको बता दें, अभीरा ने घर में अरमान और रूही की वेडिंग प्लानर बनकर एंट्री ली है, ऐसे में अरमान हो गया है अभीरा से गुस्सा। अरमान अभीरा से कह रहा है कि उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ना कि ये सारे काम करने चाहिए। लेकिन यहाँ अभीरा अरमान को सर कहकर बुलाती है, जिस बात पर भी अरमान को अभीरा पर गुस्सा आता है, और अरमान अभीरा से उसे सर कहने के लिए मना करता है। लेकिन अभीरा अरमान को ये साफ कर देती है कि उसका और अरमान का कोई रिश्ता नहीं था, वो जो भी रिश्ता था वो फेक था, लेकिन जो ये रिश्ता है वो सच्चा है। इसी बहस के बीच एक बार फिर अभीरा और अरमान के बीच आ जाती है रूही और करवाती है अभीरा को जेलस फील। सबसे पहले तो रूही शादी का सारा सामान लाकर अभीरा को थमा देती है, जिसके बाद अरमान के साथ रेस्टोरेंट जाने का भी प्लान करती है रूही। वहीं आपको बता दें कि रूही तो कॉन्फिडेंट है कि उसे अरमान से कोई अलग नहीं कर सकता, अभीरा भी नहीं। वेल, रूही और अरमान की शादी का ये ट्रैक और कौन से नए ट्विस्ट लाता है, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। वेल, इस पूरी अपडेट के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेली रिपोर्टर को।